में पाकिस्तान की कुछ ऐसी औकात रह गई है आओ तो वेलकम जाओ तो भीड़ जहाँ आर आरएसएस को लेकर इस बार पाकिस्तान पहुँच गया यूएन में तो वहीं पाकिस्तान और पाकिस्तान के आका चीन दोनों को ही भारत के विदेश मंत्री ने यूएन में गजब की क्लास लगाई पहली बार ऐसा हुआ है जब विदेश मंत्री एस जयशंकर का भयानक वाला रूप दिखा यूएन में वो भी चीन और चीनी चेले पाकिस्तान के खिलाफ वैसे आजकल बड़ा फॉर्म में है इंडिया यू में जब से नॉन परमानेंट मेंबर बना है तो वहीं जिस चीज के लिए पहले रूस ने भारत को मना कर दिया था अब उसी चीज के लिए भारत को मान मनोवल कर रहा है आखिर ऐसा क्या हो गया है आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से कुछ दिन बाद ऐसा हो जाएगा कि आप तो मियां हफ्ता हजारी और घर में रोए कर्मों की मारी पाकिस्तान दुनिया को यह दिखलाता है कि वह कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, है सबके लिए लेकिन ऐसा हाल उसके घर में है कि खुद भू और कर्म से लोग मर रहे हैं फिर भी पाकिस्तान एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मंच का उपयोग करने के लिए पहुंचा लेकिन भारत के खिलाफ ही वैसे उसे क्या अंदाजा था कि इस बार एस जयशंकर हाथों में डंडा लिए बैठे हैं? दरअसल संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के राजदूत ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली मंच से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर डाली है इतना ही नहीं पाकिस्तान ने बीजेपी और कश्मीर को लेकर भी यूएन में खूब झूठ बोला संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अक्रम ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा अच्छा परिषद में दुनिया भर के हिंसक राष्ट्रवादी समूहों को आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग करी सुनने से तो बड़ा अच्छा लग रहा है लेकिन उन्होंने अपने भाषण के दौरान बीजेपी और भारत में हिंदू मुसलमान का राग भी अलाप लिया लेकिन अपने देश के अल्पसंख्यकों का क्या हाल कर रखा है उस हालात पर चुप्पी मार दी विश्व शांति और सुरक्षा के लिए नए खतरे पैदा करने वाला पाकिस्तान अब दुनिया को सिखा रहा है कि कैसे आतंकवाद से निपटना चाहिए पाकिस्तानी राजदूत का कहना है कि हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी बीजेपी हिंदुत्व तो विचारधारा को मानती है जहां खुद के हालात इतने बुरे हैं पाकिस्तान में खास करके हिंदुओं अल्पसंख्यकों के ईसाई अल्पसंख्यकों के वो अब पाकिस्तान यूएन से भारत को सीख देने की कोशिश कर रहा है और आतंकवाद के खात्मे पर ज्ञान भी मढ़ रहा है ये तो वही वाली बात हो गई शुभ बोली तो बोली चलनी भी बोली वही दो लंगोटिया यार पाकिस्तान और चीन पूरी मिली भगत के साथ यूएन में काम करते हैं जहां पाकिस्तान आतंकवाद को रोकने के नाम पर अपने देश में ऐसे लोगों को फाइव स्टार ट्रीटमेंट देता है तो वहीं अगर उनका नाम किसी तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ में पहुंचता है बैन होने के लिए तो चीन अपने वीटो का इस्तेमाल कर लेता है यानी दोनों मिलकर खूब खेल खेलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में अब इस बार पाकिस्तान के राजदूत को शायद लगा था कि भारत की तरफ से जवाब नहीं आ पाएगा उस तरह का या फिर वो आदि हो गए हैं थपेड़ खाने के एस जयशंकर ने अपने भाषण में कुछ उसी तरह की बात कही एस जयशंकर ने खुल्लम खुल्ला कहा कि पाकिस्तान जैसा देश अपने यहाँ आतंकवादियों के ऊपर नकेल कसने की बजाय उन्हें फाइव स्टार ट्रीटमेंट देता है और साथ ही साथ चीन जैसा देश जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसे लोगों को बैन होने से बचाता है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ साफ कहा कि इन लोगों का न तो कोई धर्म होता है और न ही ये अच्छे या बुरे होते हैं ये सभी के लिए बुरे ही होते हैं किसी के लिए अच्छे और किसी के लिए बुरे नहीं हो सकते हैं। इसलिए पूरी दुनिया को उसी नजर ऐसी इन दोनों देशों और इन चीजों को देखना चाहिए की कैसे इसे रोक सके वैसे आपको बता दें पाकिस्तान की वैसे ही क्लास लगी पड़ी हुई है क्योंकि एक दो दिन के भीतर एफ फिर से यह निगरानी करेगा और देखेगा कि आखिर पाकिस्तान ने आतंकवाद के लिए किया क्या है कुछ सुधार लाया है या इसे ग्रे से उठाकर ब्लैक में फेंक दे वहीं दूसरी तरफ भारत का दोस्त रूस जो कभी कभी अपना मूड बदल लेता है अब भारत ऐसी उस चीज के लिए मान मनोवल कर रहा है जिस चीज के लिए उसने कभी भारत को मना कर दिया था वैसे रूस को अब पता चल रहा है कि उसने जो चुनाव करा था वो गलत करा था दरअसल इस बार रूस की क्लास किसी और ने नहीं बल्कि उसके भाई चीन ने ही लगाई है रूस को चीन से बहुत बड़ी उम्मीद थी कि वह उसकी अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए बड़ा ही फायदे वाला साबित होगा लेकिन जहां हथियारों का मामला कहे तो रूस से चीन एक दो हथियार ही खरीदता है और वो भी रिवर्स इंजीनियरिंग करने के लिए खरीदता है ताकि नकल करके उसकी कॉपी अपने ही देश में बना सके ऐसे में हथियारों के बाजार के लिए तो चीन किसी भी तरीके से रूस के लिए लाभकारी था ही नहीं अब बात करते हैं दूसरी तरफ तो रूस को बड़ी उम्मीद थी कि प्राकृतिक गैस का एक बड़ा खरीदार बनेगा चीन और चीन ने भी उस समय बड़ा आश्वासन दिया था कि वह रूस से प्राकृतिक गैसों को खरीदेगा और वो भी बड़ी मात्रा में और ठीक उसी समय भारत भी रूस से प्राकृतिक गैसों को खरीदने के लिए अपने प्रोजेक्ट पर रूस को काम करने के लिए कह रहा था लेकिन चूंकि भारत का प्रोजेक्ट कम फायदा पहुंचाता, इसलिए रूस ने भारत को छोड़ चीन वाले प्रोजेक्ट पावर ऑफ साइबेरिया पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया लेकिन अब चीन ने उसी प्रोजेक्ट के लिए रूस को दे दिया है बड़ा वाला झटका और वो भी कम समय के लिए नहीं बल्कि एक लंबे समय के लिए जिसका सीधा मतलब है कि इस क्षेत्र से अब रूस एक रुपया भी कमा नहीं पाएगा कुछ सालों में दरअसल चीन ने अब यह फैसला किया है कि वह वा आने वाले 40 सालों में अपने देश को कार्बन मुक्त बनाएगा जिसका सीधा मतलब है कि वह प्राकृतिक गैसों को कम इस्तेमाल करेगा और कम इस्तेमाल करने का मतलब है कि वह कम खरीदेगा ऐसे में इतनी बड़ी लागत लगाकर जो रूस इस परियोजना को कर रहा है वह उसके लिए हानिकारक ही होगी, क्योंकि वैसे भी अभी यह परियोजना पूरी नहीं हुई है यानी जब तक ये पूरी होगी और वह चीन को सप्लाई करना चाहेगा तब तक उसकी मात्रा बहुत कम कर चुका होगा चीन जो कि बिल्कुल भी फायदे का सौदा रूस के लिए नहीं होगा ऐसे में अब रूस चाह रहा है कि भारत की जो रुकी हुई प्राकृतिक गैस की परियोजना है उस पर काम करना शुरू कर दे क्योंकि भारत ने अभी तक ऐसा कुछ भी ऐलान नहीं किया है कि भारत अपने आप को कार्बन मुक्त बनाएगा और बनाएगा भी तो कब तक बनाएगा लेकिन वैसे भी पुतिन ने इस व्यापार में आने में काफी देर कर दी है क्योंकि जब तक पुतिन अपनी गैस पाइपलाइनों को बिछा पाएंगे और जब तक एक सप्लाई चेन बना पाएंगे तब तक शायद दुनिया के बहुत सारे देश अपने आप को कार्बन मुक्त करने की घोषणा कर देंगे ऐसे में उनके प्राकृतिक गैसों को खरीदना मुश्किल हो जाएगा और इतनी बड़ी लागत से जो वो गैस पाइपलाइन बिछा रहे हैं वो भी बेकार चला जाएगा वैसे आपको क्या लगता है क्या भारत को रूस के साथ अपने रिश्ते फिर से मजबूत करने चाहिए कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ